भारतीय टीम ने दूसरे टी ट्वेंटी आई मैच में ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हरा दिया। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 236 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम 191 रन ही बना सकी। भारत के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने 53 रन की पारी खेली। शानदार पारी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। भारत ने मैच जीतते ही सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत से ही धमाकेदार बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो आउट हो गए। उन्होंने मैच में 25 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे। इसी के साथ वो T20I के पावर प्ले में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रोहित शर्मा और KL राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित और राहुल दोनों बल्लेबाजों ने T20I के पावर प्ले में 50-50 रनों की पारियां खेली थी। ईशान किशन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन की पारी खेली। उन्होंने T20I में विकेट कीपर के तौर पर भारत के लिए तीसरी बार अर्धशतक लगाया। इसी के साथ वो T20I में संयुक्त रूप से भारतीय विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने KL राहुल की बराबरी कर ली है। राहुल ने विकेट कीपर के तौर पर T20I में भारत की तरफ से 3 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत ने 2-2 अर्धशतक लगाए थे। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में 44 रनों से जीत हासिल की। टीम इंडिया की T20I में 135वीं जीत है। इस जीत के साथ भारतीय टीम संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम बन गई है। भारत ने पाकिस्तान की बराबरी कर ली है। पाकिस्तान ने भी 135 T20I मैच जीते हैं। 102 T20I मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम इस सूची में तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20I मैच में भारत के लिए ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतकीय पारियां खेली। T20I मैच में भारत के लिए पहली बार हुआ है कि टॉप ऑर्डर के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईशान ने 52 रन, जायसवाल ने 53 रन और गायकवाड़ ने 53 रनों की पारी खेली थी। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि लड़के मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे हैं, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो। काफी ओस थी और जब मैंने देखा कि रिंकू आखिरी गेम में बल्लेबाजी करने आया था तो उसने जो धैर्य दिखाया वह शानदार था। इसने मुझे किसी की याद दिला दी, हर कोई जवाब जानता है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव हंसने लगते हैं। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर्स में धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे T20I मैच में 9 गेंदों में 31 रन बना दिए, जिसमें 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। IPL 2024 का ऑक्शन दुबई में 19 दिसंबर को होना है, लेकिन इससे पहले सभी 10 IPL टीमों ने अपने द्वारा रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट IPL गवर्निंग काउंसिल को सौंप दी है। IPL रिटेंशन के बाद सबसे ज्यादा पैसा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास बचा हुआ है। टीम के पास 40.75 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। RCB ने रिटेंशन में 18 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें मयंक डागर को सनराइजर्स हैदराबाद से ट्रेड करके हासिल किया गया है। वहीं सबसे कम पैसा लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 13.15 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। KKR ने 2 बार IPL की ट्रॉफी गौतम गंभीर की कप्तानी में जीती है। IPL 2024 से पहले गंभीर KKR के मेंटोर बन गए। IPL के रिटेंशन में KKR ने सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। इनमें कुछ खिलाड़ी KKR के लिए पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया उनमें शाकिब अल हसन, लिटन दास, आर्य देसाई, डेविड वीज, एन जगदीशन, मनदीप सिंह, कुलवंत खिजरौलिया, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, जॉनसन चार्ल्स और टिम साउदी के नाम शामिल हैं। पंजाब किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। इसमें शाहरुख खान का नाम शामिल है। शाहरुख को पंजाब किंग्स की टीम ने 9 करोड़ की भारी भरकम रकम में खरीदा था। उन्हें रिलीज करने का फैसला बहुत ही चौंकाने वाला रहा। उनके पास मैच फिनिश करने की काबिलियत है और वे बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता भी रखते हैं। पंजाब की टीम ने भानुका राजापक्षा, मोहित राठी, बलतेज टांडा, राजंगत बावा और शाहरुख खान को रिलीज किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम की है। CSK की टीम ने IPL 2024 से पहले ही 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इनमें बेन स्टोक्स, ड्वेन प्रिटोरियस, भगत वर्मा, शुभ्रांशु सेनापति, आकाश सिंह, काइल जेमिनसन, सिसांडा मंगाला और अंबाती रायडू का नाम शामिल है। स्टोक्स ने खुद ही IPL 2024 से बाहर रहने का फैसला किया है। वहीं रायडू संन्यास ले चुके हैं। रिटेंशन के बाद CSK के पर्स में 31.4 करोड़ रुपए बचे हुए हैं।